जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। जी हाँ, वो घड़ी आखिर आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। क्या किसान, क्या धनवान, क्या बेरोजगार, क्या विद्यार्थी, सब टीवी के सामने टकटकी लगाकर बैठे थे कि योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। मुख्यमंत्री दिल खोलकर कुबेर का खजाना लोगों के लिए खर्च करेंगे। खजाना खुला भी और बजट पेश भी हुआ। इस बार का बजट 5,50,270 करोड़ का पेश हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने हर तबके को राहत देने की कोशिश की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बजट में सरकार ने किस सेक्टर के लिए कितना खर्च करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट में किसान, MSME, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया है। सबसे पहले बात करते हैं किसान के लिए, किसानों के लिए क्या है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया गया है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को 5,00,000 की आर्थिक मदद दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई। हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि 1,000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। प्रदेश में अधिक उत्पादन वाली फसलों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना होगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रोजगार के लिए क्या है। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1,492 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1,107 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि ग्रहण के लिए 7,200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या है। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके तहत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। अयोध्या के लिए क्या है। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का बजट है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट के लिए 2021 में हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कोरोना टीकाकरण और सामूहिक विवाह योजना का विस्तार करने के लिए भी बजट में प्रावधान रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।